प्रदेश के किसानों से सरकार की तरफ से 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू हो गई है, लेकिन कई सरकारी धान क्रय केंद्रों पर उनको दिया गया खरीदी टारगेट पूरा हो गया है। ऐसे में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने आ रहे काश्तकार परेशान हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकारी धान क्रय केंद्रों पर धान खरीद का टारगेट बढ़ाया जाए, जिससे किसान अपने धान को सरकारी क्रय केंद्रों पर बेच सके। किसानों का कहना है कि अगर उनकी धान की बिक्री नहीं हुई तो उनको निजी खरीदारों को औने पौने दामों में बेचने के मजबूर होना पड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले में आरएफसी बीएस चलाल का कहना है कि किसानों की धान की खरीद की कार्रवाई चल रही है। प्रदेश में धान खरीद का जो टारगेट था 9 लाख का, उसमें से 75% धान खरीद हो चुकी है। 25% धान की खरीद अभी होनी है, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं का दोनों का है। लेकिन यूसीएफ के जो कांटे लगे थे, जो उनका टारगेट था, वो पूरा हो चुका था। उस यूटेप के कांटे का जो टारगेट पूरा था, और धान लेने के लिए किसान आ रहे थे कांटे में, तो उसमें उनका काफ़ी आक्रोश था। तो इसको देखते हुए इसका पोर्टल खोलने की का अनुरोध किया गया था, जिससे उनका टारगेट बढ़ सके। तो इसमें आयुक्त कार्यालय से लेटर हमारे पास आ चुका है, जिसमें 1.5 लाख क्विंटल का और धान की खरीद करने के लिए पोर्टल बढ़ चुका है। आज से वो पोर्टल खुल गए, जो जिनका धान बचा हुआ उनको क्रय कर लिया।